नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एक सिगरेट के बदले की हत्या। सिगरेट के मात्र 20 रुपए को लेकर हुए विवाद में निसार अहमद की हत्या का कोतवाली देहात पुलिस ने किया खुलासा। घटना में संलिप्त 4 हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त 2 पिस्टल कारतूस व कटी हुई अल्टो कार की बरामद। निसार अहमद अपने गांव दरियापुर के बाहर सड़क किनारे चलाता था कैंटीन। 21/7/2021 की रात्रि लगभग 8:45 पर लाल रंग की कार, एक कार से 3 लड़के आए और उन्होंने दुकान से बीड़ी सिगरेट खरीदी। पैसों की लेन देन पर हो गया था इनका निसार अहमद से विवाद। विवाद उपरांत तीनों लड़के वहां से चले गए थे। कुछ समय पश्चात 2 मोटरसाइकिलों पर वहीं लड़के कुछ और लड़कों के साथ वापस आए और आते ही निसार अहमद जो दुकान के बाहर बैठे थे उन पर उनके सर पर पल्ला मारा और गोली मारकर गंभीर रूप से कर दिया था घायल। निसार अहमद के लड़के अफसर द्वारा विरोध करने पर उसको भी मार दी थी गोली। घटना को अंजाम देने के मौके से सभी हो गए थे फरार। पिता पुत्र को घायल अवस्था में कराया गया था भर्ती। दिनांक 23/7/2021 को दिल्ली के एक अस्पताल में निसार अहमद के इलाज के दौरान हो गई थी मौत। उपरोक्त घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु SSP बुलंदशहर ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात श्रीमती अरुणा राय को किया था निर्देशित। क्योंकि पुलिस के पास सुराग के नाम पर बस एक लाल रंग की कार की जानकारी थी, इसके आधार पर लगभग 1 दर्जन लाल कार को ट्रेस कर रहे श्रीमती अरुणा राय के अथक प्रयास करने के पश्चात पुलिस अपराधियों तक पहुंचने में हुई कामयाब। शातिर अपराधियों ने कार को पुलिस से बचने के लिए एक कबाड़ी के यहाँ कटवा दिया था। देखिए, एक बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में सनसनीखेज घटना कोतवाली देहात के दरियापुर गांव में घटित हुई थी। 22 तारीख की रात को लगभग 8:40 बजे एक लाल रंग की कार से करीब 5-6 लड़के सिगरेट की दुकान पे आए। निसार अहमद नाम के व्यक्ति हैं जो कैंटीन चलाते हैं और सिगरेट लिया। 20 रुपए को लेकर के कुछ इनमें आपस में विवाद हुआ, जिसमें निसार अहमद का बेटा जो BSF में नौकरी करता है अफसर अहमद, वो भी मौजूद था, उसके द्वारा हाथापाई की गई। इसके बाद ये लड़के जो कार से आए थे लाल रंग की कार से वापस चले गए और लगभग 9:55 के आसपास ये दोबारा 3 मोटरसाइकिलों पे 9 की संख्या में कुल आए और आते ही इन्होंने वहाँ तोड़फोड़ मारपीट फायरिंग शुरू की और 2 लोगों को गोली लगी। एक तो जो कैंटीन संचालक निसार अहमद थे उन्हें और उनका बेटा अफसर अहमद जो BSF में नौकरी करता था उसके जांघों में गोली लगी। बाद में दूसरे दिन निसार अहमद की एम्स में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, किसी तरह की कोई बहुत जानकारी थी नहीं। लगातार कोतवाली देहात पुलिस ने इसमें प्रयास किए, लाल रंग की गाड़ियों का पहले पीछा शुरू किया और 1 दर्जन से अधिक लाल रंग की गाड़ियों की तलाश करने के बाद बहुत से लोग पूछताछ के लिए आए गए। लेकिन पूछताछ के दौरान और जब उनका तकनीकी पक्ष देखा गया तो उनकी उपस्थिति वहां नहीं पाई गई। लास्ट में और आगे बढ़ते हुए जब नोएडा की सीमा से एक लाल रंग की गाड़ी ट्रेस हुई, उस गाड़ी का जब पता किया गया तो गाड़ी जो है वो कटने के लिए कबाड़ी के यहाँ चली गई थी, जहाँ कटी हुई अवस्था में मिली। पुलिस के द्वारा उस गाड़ी को बरामद किया गया और थाने पर लाया गया और फिर इस घटना का अनावरण हुआ। अनावरण घटना में ये 4 अभियुक्त, जिसमें एक का नाम पंकज वाल्मीकि है जो दनकौर का है, दूसरा भी इसी के गांव का अमित वाल्मीकि है, तीसरा रिक्की उर्फ आकाश है जो चिंदावली थाना दनकौर का रहने वाला है और भूरा भाटी है ये भी दनकौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन 4ों की गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से वो अल्टो कार लाल रंग की जो थी, जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, कटी अवस्था में बरामद की गई है। इनके पास से 2 पिस्टल 32 बोर के और 6 जिंदा कारतूस जो घटना में प्रयुक्त हुए थे पिस्टल, वो बरामदगी की गई है और इसमें कुछ अभियुक्त भी और हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें प्रयास कर रही है। सर, पुलिस टीम को इनाम भी दिया गया? हाँ, पुलिस टीम को 20,000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया गया है।